सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रीडेक में। तो दोस्तों यहाँ पे एक न्यू अपडेट जो रिसीव हुआ है रियलमी 2 एंड रियलमी C1 के अंदर दोस्तों, यहाँ पे मे वाला। ओके तो गाइज, बेसिकली आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। क्यों दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इतना बड़ा साइज के यहाँ पे अपडेट क्यों हमें मिला। एंड गाइज यहाँ पे जो कि कुछ अगर प्रॉब्लम है इस वाले अपडेट के अंदर, ये भी दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो के एक बार से आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर लेना। तो गाइज इससे पहले एक ऐप इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, इसका नाम है पगार बुक। इस ऐप से बिजनेसमैन अपने सारे स्टाफ का हिसाब डिजिटली रख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। पगार बुक ऐप में आप अपने स्टाफ का हाजिरी यानी दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस का पूरा लेखा जोखा रख सकते हैं। इस ऐप पर आप हर तरह के स्टाफ का हिसाब रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेली, मंथली और काम के हिसाब से पेमेंट वाले भी। ये ऐप आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देता है। यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं होगा। एंड गाइज यहाँ पे सारे पेमेंट्स और एब्सेंट अनुपाधिति का ऑटोमेटिक SMS स्टाफ को चला जाता है। इस ऐप पे दोस्तों यहाँ पे सारे डेटा आप लोग जो कि सिक्योर रहेगा, सो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड गाइज ये ऐप जो कि यहाँ पे IIT और NIT के काबिल इंजीनियर द्वारा दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है। सो दोस्तों यहाँ पे टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे इसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो फटाफट से एक बार दोस्तों इसको जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जहाँ तक यार बात करें इस वाले अपडेट का, तो ये जो कि दोस्तों इसका साइज है 2.15 GB का। ओके साइज दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग अपडेट मिला होगा तो गाइज यहाँ पे जो कि 2 GB से ऊपर का है जो कि एक अपडेट साइज जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके रियलमी 2 गाइज यहाँ पे रियलमी C1 में। ओके एंड गाइज यहाँ पे अगर आप लोग अभी तक अपडेट नहीं मिला तो इसको जो कि आप लोग मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। मैनुअली अपडेट का लिंक भी दोस्तों यहाँ पे रियलमी ने प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइज यहाँ पे मैं यार रियलमी से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई किया कि इतना बड़ा साइज का यहाँ पे जो कि अपडेट क्यों पुश किया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे रियलमी का यही कहना कि सिस्टम स्टेबिलिटी को दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसको जो कि एक बड़ा साइज का अपडेट यहाँ पे पुश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये भी आस्क किया कि भाई क्यों इतना बड़ा एक साइज का अपडेट देने का क्या यहाँ पे मतलब है, हमें तो यहाँ पे बेसिकली कुछ मिलता है नहीं सिवाय दोस्तों यहाँ पे एक एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो कि है दोस्तों यहाँ पे May 5 का। ओके एंड गाइज यहाँ पे जो कि आप लोगों को मिल जाता है एक न्यू वर्जन जो कि है यहाँ पे एक 67 वाला। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ जो कि नॉन बग्स को दोस्तों यहाँ पे फिक्स किया गया है, आई मीन दोस्तों यहाँ पे कुछ बग्स था रियलमी 2 रियलमी C1 के अंदर, तो उसको भी दोस्तों यहाँ पे जो कि फिलहाल फिक्स कर दिया गया है। सो यहाँ पे यार मेनली जो एक अपडेट साइज रहता है 200 से दोस्तों यहाँ पे 300 या फिर 400 MB तक दोस्तों यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं रियलमी ने दोस्तों यहाँ पे 2 GB का एक जो कि अपडेट पुश कर दिया है। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग रियलमी का रिप्लाई को देख सकते हैं, क्या दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई किया है रियलमी ने, इन्हेंस द कस्टमर एक्सपीरियंस विथ एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। तो यार हमें अगर पैच ही देना था तो कुछ छोटे साइज का दे देता, यहाँ पे यार बहुत बड़ा साइज का है। एंड यहाँ पे यू नो दोस्तों यहाँ पे हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता है बेसिकली एक दिन के अंदर 2 GB डेटा। ओके तो गाइज यहाँ पे अभी क्या है बेसिकली, अगर दोस्तों लगता है कि आपके रियलमी 2 रियलमी C1 के अंदर ऐसा कुछ आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन गाइज इस वाले अपडेट को एक बार से आप लोग जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिस्टम अपडेट्स के जरिए यहाँ पे जो हमारे डिवाइस को दोस्तों यहाँ पे जो कि इन्हेंस किया जाता है। एंड गाइज यहाँ पे जो कि आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस भी दोस्तों यहाँ पे बेटर होता है। सो इस वाले अपडेट को एक बार से आप लोग जरूर से कर लेना, या फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल, तो इस वाले अपडेट को दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो कि स्किप भी कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहा था कि हमारा जो यहाँ पे डबल टैप टर्न ऑन स्क्रीन वाला जो फीचर ये दोस्तों यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है इस वाले अपडेट के बाद। तो गाइज यहाँ पे मैं जो कि यार ट्राई किया। ओके सो इसके लिए जो कि आप लोगों को जाना है अपने डिवाइस के सेटिंग्स के अंदर, देन गाइज यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद एक बार से जो आप लोगों को मिलता है ये दोस्तों यहाँ पे कन्वीनियंस टूल का ऑप्शन, देन गाइज यहाँ पे कन्वीनियंस टूल के अंदर नीचे आप लोगों को मिल जाएगा जेस्चर एंड मोशन, एंड गाइज यहाँ पे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एक स्क्रीन ऑफ जेस्चर का ऑप्शन। ओके तो गाइज यहाँ पे ये देखिए जो कि आप लोगों को डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, इसको अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे डिसेबल करके रखे हैं तो एक बार से इसको जो कि आप लोग एनेबल कर लीजिए, देन गाइज यहाँ पे जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा मुझे कुछ भी प्रॉब्लम अभी फिलहाल दिखाई नहीं दिया इस वाले अपडेट के अंदर। और गाइज यहाँ पे मैं कुछ गेमिंग वगैरह किया हूँ इस वाले अपडेट के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार इसमें मैं जो कि पबजी लाइट को खेला हूँ। ओके आई मीन दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल पबजी लाइट है उसको मैं खेला हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेन वर्जन को मैं नहीं खेला क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को पता है रियलमी 2 के अंदर जो कि आप लोगों को मिलता है यहाँ पे यार अगर आप लोगों के पास है 32 GB वाला वेरियंट, तो गाइज इसका अगर देखेंगे प्रोसेसर भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लो है। सो गाइज यहाँ पे मैं जो कि इसके अंदर बेसिकली खेलता हूँ पबजी मोबाइल लाइट। सो गाइज यहाँ पे एक शॉर्ट रिव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ आफ्टर दिस अपडेट रियलमी 2 एंड गाइज यहाँ पे रियलमी C1 के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है पबजी के अंदर। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग अभी फिलहाल देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो कि 40% अभी फिलहाल जो कि बैटरी है, एंड गाइज अभी जो कि टाइम हो रहा है 10:26। ओके तो गाइज एक बार से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने गेम को दोस्तों एक बार से ऑन।
गाइस यहाँ पे हमारा गेम फाइनली दोस्तों यहाँ पे खत्म हो चुका है। गाइस यहाँ पे देखिए चिकन डिनर भी दोस्तों हम लोगों ने कर लिया। सो गाइस यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आप लोग होनेस्ट बात बताना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जो कि नोब अकाउंट के साथ खेल रहा था, अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग ओरिजिनल अकाउंट के साथ खेलेंगे तो गाइस यहाँ पे जो कि थोड़ा बहुत आप लोगों को जो कि लेग वगैरह दिखाई दे सकता है। एंड गाइस यहाँ पे एक बात ये कि बेसिकली अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे खेलते होंगे पबजी मोबाइल लाइट को, तो गाइस यहाँ पे आप लोग कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर दोस्तों यहाँ पे लेग वगैरह नहीं दिखाई देगा। तो गाइस यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए अभी दोस्तों 1046 एंड गाइस यहाँ पे जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 25 से। ओके एंड गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे देखिए बैटरी परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे देखिए 35% है, जो कि था दोस्तों यहाँ पे 40% पहले। यहाँ पे लगभग दोस्तों यहाँ पे 25 मिनट के गेम के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों का 5% का बैटरी ड्रेन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो कि बेसिकली एक नॉर्मल वाली बात है, यहाँ पे दोस्तों कोई भी बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दिया गेमिंग करते वक्त। सो गाइज यहाँ पे इस वाले अपडेट के बाद रियलमी 2 एंड रियलमी C1 के अंदर ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ प्रॉब्लम वगैरह शो करता है आफ्टर अपडेट, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे नीचे एक बार से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइज यहाँ पे बेसिकली इस अपडेट के एक जो कि रिव्यू देना था आप लोगों को। सो गाइज यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों का पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।